हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर थर्ड चैप्टर ऑफ साइंस, दैट इज़ फूड हेल्थ एंड हाइजीन। सो यू मस्ट हैव हर्ड योर पेरेंट्स टेलिंग यू टू अवॉइड अनहेल्दी एंड जंक फूड एंड टू ईट हेल्दी फूड टू रिमेन फिट एंड फाइन। आपने अपने पेरेंट्स को ये कहते भी सुना होगा कि आप जैसा खाएंगे आप वैसे ही बनेंगे। इसका मतलब यह है कि यदि आप हेल्दी फूड खाते हैं, न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं, तो आप हेल्दी रहेंगे और हैप्पी भी रहेंगे। लेकिन यदि आप जंक फूड ज़्यादा मात्रा में लेते हैं या अनहेल्दी फूड ज़्यादा खाते हैं, तो आप अनहेल्दी ही रहेंगे और साथ में वीक भी हो जाएंगे। सो इन दिस चैप्टर वी विल नो अबाउट हेल्थ, फूड हाइजीन एंड डिसीजेस। सो लेट्स स्टार्ट विथ हेल्थ। वॉट इज़ हेल्थ? The term health refers to the state of complete physical and mental well-being. It means that any person who is physically fit and mentally sound is considered to be healthy. Health शब्द का अर्थ होता है स्वास्थ्य, और किसी भी person को स्वस्थ तब कहा जाता है या healthy तब कहा जाता है जब वह person physically भी fit हो और मेंटली भी फिट हो। किसी भी पर्सन को हेल्दी बनने या होने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि ईट अ बैलेंस्ड डाइट, एक बैलेंस्ड डाइट अपने खाने में लेना, एक्सरसाइज रेगुलरली अर्थात डेली एक्सरसाइज करना, बी क्लीन एंड कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन टू, इसका मतलब अपने आसपास के वातावरण को साफ़ सुथरा रखना, टेक प्रॉपर रेस्ट, अच्छी तरह आराम करना, प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम डिसीजेस, अपने शरीर को या खुद को बीमारियों से सुरक्षित रखना। अब हम जानते हैं कि फूड क्या होता है। फूड या भोजन हमारी बुनियादी ज़रूरतों में से एक है। बिना फूड के या बिना भोजन के हम जीवित नहीं रह सकते हैं। फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स विच आर द बिल्डिंग मटेरियल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड अदर एक्टिविटीज़। फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिन्हें बिल्डिंग मटेरियल्स भी कहा जाता है। ये न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए और अदर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। टू रिमेन हेल्दी वी मस्ट ईट फूड दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट, दैट इज वी मस्ट ईट अ बैलेंस्ड डाइट। फर्स्ट न्यूट्रिएंट इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स गिव एनर्जी टू द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम पोटैटो, राइस, ब्रेड, सीरियल्स, शुगर, फ्रूट एट्सेट्रा। नेक्स्ट आर फैट्स। दे ऑल्सो गिव अस एनर्जी बट मोर देन दैट गिवन बाय कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स जो होते हैं वे भी हमें एनर्जी देते हैं, पर ये कार्बोहाइड्रेट्स से भी ज़्यादा एनर्जी हमारे बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स को एक साथ कहा जाता है एनर्जी गिविंग फूड। द सोर्सेज ऑफ फैट्स इंक्लूड बटर, मीट, चीज़, वेजिटेबल ऑयल, नट्स, मिल्क, क्रीम एंड घी। नेक्स्ट आर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, मतलब हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए एसेंशियल चीज़ जो है वो प्रोटीन है। दे आर ऑल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड, इसी वजह से इन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। इनके सोर्सेज हैं एग्स, फिश, मिल्क, चीज़, पल्सेस, सोयाबीन्स एंड मीट। नेक्स्ट आर विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स हेल्प आवर बॉडी टू फाइट डिसीजेस एंड दस कीप इट फिट। विटामिन्स का मेन काम होता है हमारे शरीर में जो डिसीजेस हो जाते हैं उनसे फाइट करना। देयर आर डिफरेंट विटामिन्स दैट आर नीडेड फॉर डिफरेंट पर्पसेस इन आवर बॉडी। हमारे शरीर के लिए अलग अलग
चीज़ों के लिए अलग अलग विटामिन्स की ज़रूरत होती है, अलग अलग तरह के विटामिन्स की ज़रूरत होती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड फिश, ये जो हैं ये विटामिन्स के सोर्सेज हैं। इसके बाद है मिनरल्स। मिनरल्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ टीथ, बोन्स एंड ब्लड। टीथ यानी कि दांत, बोन्स यानी कि हड्डियाँ और ब्लड यानी कि रक्त, इन तीनों के बनने में या इन तीनों के फॉर्मेशन में हेल्प करता है मिनरल्स। मिनरल्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिल्क, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, एग्स एट्सेट्रा। स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट हाइजीन एंड डिसीजेस। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू।